आज हम आप सभी के लिए लाए हैं Xiaomi का एक डुप्लीकेट ब्लूटूथ ईयरफोन है जिसका मॉडल नंबर है लाइफ BT236। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे और साउंड की टेस्टिंग करेंगे और इसके बाद इसके माइक की टेस्टिंग करेंगे और हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको ये ईयरफोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस बॉक्स के ऊपर नजर डालते हैं। तो यहाँ पे आपको Xiaomi का लोगो देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पे ये ईयरफोन, उसके नीचे यहाँ पे लाइव BT236 देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिलता है और हाई कैपेसिटी स्वेट प्रूफ स्पोर्ट वियर हाई रेजोल्यूशन कंफर्टेबल ईयरबड्स, इतना चीज़ आपको यहाँ पे फ्रंट पे देखने को मिलता है। उसके बाद इसके पीछे पे जाएंगे तो यही चीज़ आपको सेम चीज़ देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग टाइम यहाँ पे मेंशन किया गया है जो कि 1 आवर दिखा गया है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स रेंज 50 हर्ट्ज़ से लेके 5 किलो हर्ट्ज़ तक आप इसमें वॉल्यूम को सुन सकते हैं। और उसके बाद इसकी वेट की बात करें तो 40 ग्राम देखने को मिलता है और इनपुट टाइप सी वोल्ट 5 वोल्ट से 1 एम्पियर, मतलब 5 वोल्ट 1 एम्पियर यहाँ पे दिया गया है। और यहीं पे उसके बाद स्टैंड बाई टाइम 100 आवर्स और उसके बाद इनकमिंग कॉल वाइब्रेशन आपको इसमें दिया जाता है और म्यूजिक प्लेबैक टाइम 30 आवर्स और बैटरी कैपेसिटी इसमें 220 mAh मतलब 220 mAh को देखने को मिलता है। वर्किंग रेंज 10 मीटर तक देखने को मिलता है और यहाँ पे ये सब डिटेल्स दी गई हैं। तो चलिए अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। यहीं पे आप इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको एक ईयरफोन देखने को मिलता है, उसके साथ आपको यूजर मैनुअल भी देखने को नहीं मिलता है। ये 4 ईयरबड्स दिए गए, तो इसको हम रखते हैं साइड में। आप इसको देख सकते हैं, इसका बिल्ड क्वालिटी भी अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको हूबहू एकदम ओरिजिनल की तरह देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको MI का लोगो भी देखने को मिलता है और यहाँ पे बटन्स देखने को मिलता है जो कि प्लस माइनस प्ले पॉज का और यहाँ पे LED इंडिकेटर। अगर इसकी हम पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको साइड में देखने को मिलता है जो कि टाइप सी तो नहीं है, यहाँ पे अदर वाला दिया गया है, लेकिन बॉक्स में मेंशन किया गया था कि इसमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम ऑन करके इसको प्ले करते हैं कि इसमें म्यूजिक किस तरह से निकल कर आता है। तो इस नेक बैंड को हमने अपने टैबलेट से कनेक्ट कर लिया है, इसमें अब हम साउंड प्ले करके सुनते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें साउंड क्वालिटी किस तरह से निकल कर आता है। तो यहाँ पर हमने म्यूजिक को प्ले कर लिया है। चलिए हम इसको आपको प्ले करके साउंड एक बार सुनाते हैं कि किस तरह से निकल कर आता है। अगर हम इसकी साउंड की बात करें तो इसमें सही बताएं तो काफ़ी बेकार साउंड निकल कर आता है, काफ़ी तीखा साउंड निकल कर आता है और इसमें आपको ईयर में पेन भी हो सकता है। तो अगर आपको ये 400 से लेकर 500 तक ईयरफोन देखने को मिलता है मार्केट में, तो अगर आप इसको बाई करने जा रहे हैं तो प्लीज़ बाई मत करिएगा, क्योंकि लिए इसको कोई फ़ायदा नहीं है। साउंड एकदम ही घटिया निकल कर आता है और इसको लेने के बाद आप ज़रा सा भी खुश नहीं रह पाएंगे इसमें, क्योंकि बैटरी बैकअप लिखा है कि यहाँ पे 20 आवर्स लेकिन चलने वाला है नहीं 4-5 आवर्स से ज़्यादा। बिल्ड क्वालिटी अगर आप इसको 100 पीस के लेना चाहते हैं कि आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने MI का ईयरफोन रखा है और ये ओरिजिनल है या लोकल, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, तो आप ले सकते हैं शो ऑफ के लिए। अदरवाइज अगर आप इसको पर्सनली यूज करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मत ही लीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।